बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। करीब 5.5 घंटे ये बैठक चली। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। अगली सूची में 80 से 90 नामों का ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें इस सूची में कई विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बैठक में टिकटों को लेकर नाराजगी दूर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, बैठक खत्म हो गई है, महामंथन दिल्ली के अंदर किया गया, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया? बिल्कुल, राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, करीब 5.5 घंटे बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली है। इस बैठक में सभी उन सीटों पर चर्चा की गई है जिनके नाम जहाँ पे उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सीसी की बैठक होगी 1 से 2 दिन में, और इस बैठक में सीसी की बैठक में उन नामों पर मुहर लगेगा जहां जो नाम इस बैठक में तय किए गए हैं कोर कमेटी की बैठक में। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इस समय राजस्थान में है तो वह है विरोध का, क्योंकि बहुत से ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटेगा और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कुछ जगहों पर जो है सांसद और केंद्रीय मंत्री को उतारा जाएगा, कुछ लोगों का सीट बदला जा सकता है जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही है इसमें तमाम लोगों की नाराजगी सामने आएगी, और इसको लेकर के ये जो बैठक चली है, लंबी बैठक चली है, इसमें सभी राजस्थान बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर टिकट की नाराजगी की वजह से कोई सड़क पर उतरकर पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो आप लोग उसे कंट्रोल करेंगे, उसे मैनेज करेंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी होगा पब्लिक में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा पार्टी को लेकर। सामने विधानसभा चुनाव है और चुनाव को हर हाल में जीतना है, लिहाजा गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। सभी लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर मैसेज है कि इस बार टिकट उसी को ही दिया जाएगा जो पार्टी को जीत सुनिश्चित कर सके, क्योंकि चाहे वो 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया हो या पहले से पार्टी का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, अगर वो पार्टी को जिताता है अपने विधानसभा क्षेत्र में तो उसे टिकट दिया जाएगा, यह पैमाना रखा गया है। यही वजह है कि देखिए आज भी भारतीय जनता पार्टी में दो मेवाड़ के दो बड़े राजपूत नेता पार्टी ज्वाइन किए हैं। पार्टी को लग रहा था कि मेवाड़ में हम कमजोर हो रहे हैं, तो वहां पे मजबूती के लिए, पॉजिटिव मैसेज के लिए, राजपूत समाज को साधने के लिए यह पार्टी ने कदम उठाया। तो ऐसे में आज जो मंथन किया गया है 5.5 घंटे में तय किया गया है कि जो भी विरोध करेगा उसको कैसे कंट्रोल करना है, और साथ ही अगर किसी विधायक का टिकट कटता है, अगर किसी बड़े नेता का वो समर्थक है, उनके साथ का रहने वाला है, तो कोई उसकी पैरवी नहीं करेगा। अगर वो विरोध करता है, नाराज होता है, तो कोई उसमें अपनी सहमति नहीं देगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 41 सीटों का जब ऐलान किया गया था, जो नाराजगी और विद्रोह देखने को मिला है उससे पार्टी के शीर्ष नेता रणनीतिकार बहुत ही नाराज हैं। लिहाजा इस बैठक में यह भी मैसेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो दूसरी सूची आएगी उसमें 80 से 90 उम्मीदवारों का नाम शामिल होगा, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी होंगे। जी, ऐसे में राजीव अगर बात करें, दूसरी सूची तो खैर आने वाली है, लेकिन बात करें पहली सूची जो 41 नामों की आई, उसके बाद जो विरोध रहा उसके डैमेज कंट्रोल के लिए राजस्थान में जेपी नड्डा भी आए, तो अभी उन 41 में जो विरोध चल रहा था उसकी क्या स्थिति है और आगे की रणनीति क्या उसको लेकर बनाई गई है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो नाराजगी है, बहुत से अभी कार्यकर्ता जो दिल्ली में घूम रहे हैं, जिन टिकट के दावेदार, उनका कहना है कि कुछ लोग जो है 2 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन किए उनको टिकट दे दिया गया, कुछ प्रशासनिक अधिकारी रिटायर्ड जो ज्वाइन किए उनको दे दिया गया, जो पार्टी छोड़ के चले गए थे वो पार्टी में वापस आकर चुनाव के समय उनको टिकट दे दिया गया है। करीब 41 सीट जो ऐलान किया गया है उम्मीदवारों का नाम, उसमें 30 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मंदर खाने विरोध चल रहा है, कोई निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है तो कोई विरोध जता रहा है। ऐसे में पार्टी ने कमेटी गठित की है और ऐसी स्थिति दोबारा न बने, दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद ऐसी स्थिति न बने, इसको लेकर पार्टी जो है मैनेज करने में जुटी हुई है, और तमाम अपने राजस्थान बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो सुंदरा राजे सिंधिया की बात कीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कीजिए,
अर्जुन मेघवाल की बात कीजिए, यह लोग पार्टी के शीर्ष नेता होने के साथ साथ कास्ट किंग लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं, अपने जात समाज में इनका मजबूत पकड़ है, तो ऐसे में कोई विरोध करता है तो उनको कैसे मनाना है, चाहे वो विद्याधर नगर से, देखिए सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है, वहां से दिया कुमारी को उतारा गया है, वहां से राज भी नाराज हैं, तो उनको कैसे मनाना है, तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया। ठीक है, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस डैमेज कंट्रोल में कितने कामयाब होते हैं और आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।